हेलो एवरीवन, कॉस्मिक कनेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक रीडिंग करेंगे आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है, कैसा चल रहा है उन दोनों का रिलेशन, ये सब हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आफ्टर ये सोलर इक्लिप्स उनके एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है, कैसी एनर्जी है दोनों के बीच में, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। अगर आप कॉन्फर्म है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग देखिए, मैं ये गाइड करूँगी आपसे, वरना आप अनलोइंगली किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करेंगे ये रीडिंग देख करके, क्योंकि किसी शक के बिना पे ये रीडिंग आप मत देखिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। होप आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आप अपने पर्सन का और अगर थर्ड पार्टी के बारे में भी पता है तो उनके बारे में भी सोच लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने पर्सन पर और उनका नाम भी आप ले लीजिए। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं, क्या कार्ड्स आता है हम लोग देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी में है वो दोनों। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है, कैसी एनर्जी में हैं दोनों, क्या वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेंथ, होप कार्ड्स आपको विजिबल है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, द सन, द स्टार, द टावर, किंग ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। चलिए देखिए दोनों की जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, आपके जो पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोच मतलब लेकर के ये रिलेशन निभा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में भी है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है, थर्ड पार्टी की ही रीडिंग है तो डेफिनेटली वो मौजूद होगी ही। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूँगी दूसरे डेक से। मूव ऑन करना चाहते हैं आपके पर्सन जो हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में फील हो रहा है मुझे, वो बहुत बर्डन में हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं, जहाँ भी वो है या जिस सिचुएशन में भी हो हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये मूव ऑन की एनर्जी है, बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसी जिम्मेदारी है उस टाइप से ये निभा रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका। एट ऑफ वांड्स दिखाता है कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एट ऑफ वांड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एट ऑफ वांड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एट ऑफ वांड्स क्यों आया है, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ पेंटेकल्स। देखिए वो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोई शुगर कोटिंग बात नहीं है, वो दोनों को ही मैनेज करके चलना चाहते हैं, किसी को छोड़ने की एनर्जी में नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा आप दोनों के, सॉरी आप लोगों के रिलेशन में, और वो उसी का सोच रहे हैं कि जो भी करना हो मुझे ना करना पड़े, भगवान कर दे मैं बैठे रहूँगा,
कोई एक्शन नहीं लूँगा, बस जब तक हो सके मैं दोनों सिचुएशन को मैनेज करके चलता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रहा है, अगर वो ये सब सोच रहे हैं लेकिन आप पे वो स्टक भी हैं, वो स्टक भी हैं, मतलब आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा पॉजिटिवली सोचिए कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश होते तो डेफिनेटली आपके लिए वो नहीं सोचते। तो यहाँ पे सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं। एक्शन लेने का वो थोड़ा है ना कि एक्शन नहीं ले सकते, वो सब कुछ उनको हाथों में चाहिए, वो खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो बोलते हैं ना पूरा खाना बना करके उनके हाथों में दे दो वो खा लेंगे, खुद से वो कुछ कर नहीं सकते, इस टाइप की एनर्जी है। सन है, बहुत ज़्यादा विशेष है और फुलफिल भी होना चाह मतलब होगा ऐसा वो विश करके बैठे हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच है। हार्ट ब्रेक इसलिए है कि वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ भी वो थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं, कुछ ईगो से डील कर रहे हैं। ओके, हम पहले देख लेते हैं टावर क्यों आया है, टावर किस बात पे आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। टावर मोमेंट किस जगह पे आया है, क्या हुआ है, प्लीज़ डिवाइन थोड़ा क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें टावर क्यों आया है। टेन ऑफ पेंटेकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई पिस्टेस। देखिए ये जो होता है ना, ये दोनों तरफ बैलेंस करते हुए वो बैलेंस कर नहीं पाए तो आपके साथ उनका टावर मोमेंट आया है, जिसके बाद वो थर्ड पार्टी में भी बिल्कुल खुश नहीं है और उनको बहुत एंग्जाइटी भी हो रही है। उनको मदर इशू भी है कुछ जगहों पे, मुझे दिखाई दे रहा है कि मदर इशू भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेटिंग मदर मुझे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन की मदर। उनको रातों को नींद भी नहीं आती है, वो रात में सोचते रहते हैं सिर्फ। किंग ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है कि ईगो से भी काम ले रहे हैं, ऐसा है कि मतलब वो अगर आपसे इस बारे में बात करें, उनके पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ खास है नहीं, बस वो ये चाहते हैं थर्ड पार्टी भी रहे आप भी रहें और वो बैलेंस बना करके चलते रहे। कोई रिजिड डिसीजन वो लेने के मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो चाहते हैं सोचते हैं कि सब कुछ भगवान उनको करके देंगे और ये जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टार क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द स्टार क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द स्टार क्यों आया है, एट ऑफ कप्स, द टावर एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपसे वो मूव ऑन किए, मूव ऑन करके वो थर्ड पार्टी के पास गए, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, उनको लगा कि ठीक है चला जाए तो मैं थर्ड पार्टी के साथ हो लूँगा। थर्ड पार्टी में भी वो गए लेकिन वहाँ पर भी उनको सुकून नहीं मिला, ही इज़ फीलिंग चीटेड। मे बी थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा हो, चीटिंग मिल रहा हो, तो इस सिचुएशन में वो विश भी कर रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो सुधर जाए और फिर से वही बैलेंस बनाने की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एंड द एम्परर। देखिए ये आपको बहुत एबंडेंट समझते हैं, हो सकता है आपकी जो फिनेंशियल स्टेटस है ये इनसे बहुत अच्छी है और आप इनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियली हेल्प भी किए हैं, तो वो आपको बहुत गिवर एनर्जी में देखते हैं, मतलब हर सिचुएशन का उनका उनके लाइफ के हर सिचुएशन का सोल्यूशन आपके पास है ऐसा सोचते हैं। बहुत नर्चरिंग केयरिंग आप हैं, उसके साथ साथ आप उनको फिनेंशियली भी हेल्प करते हैं, फिनेंशियली अबंडेंट पर्सन है, तो ये चाहते हैं आपके साथ भी बैलेंस बनाएं, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करके भी रखना चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें। द डेविल क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द डेविल क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द डेविल क्यों आया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स,
डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिन यहाँ उनकी नेगेटिविटी को बता रहा है, ईगो, मैनिपुलेटिंग नेचर, अपना बात ज़बरदस्ती मनवाने की जो उनका नेचर है वो देखिए वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाएं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, आप दोनों की जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, वो चाहते हैं आपके साथ होना लेकिन कुछ ईगो से हैंडल कर रहे हैं तो आपसे मुंह फेर करके बैठे भी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स वही दर्शाता है, दोनों जगह पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ओवरऑल ये है कि थर्ड पार्टी के साथ खुश मुझे नहीं दिखते हैं, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, खुश नहीं है, एक बर्डन की तरह थर्ड पार्टी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक होपफुल भी हैं कि उनका सिचुएशन उन थर्ड पार्टी के साथ सही हो जाएगा, एक न एक दिन सही हो जाएगा, लेकिन वो खुद को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं आपको छोड़ करके, सिचुएशन यही है। और अगर वो आपके पास टोटली नहीं आना चाहते हैं, जो आज की रीडिंग आई है टोटली आपके पास नहीं आना चाहते हैं, वो दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, अदरवाइज़ अगर आपसे मूव ऑन किए हैं, पेन में भी हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए डेफिनेटली निभा रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं कि सिचुएशन एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों की एक पर्सनल गाइडेंस दे रही हूँ, अगर आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि उनका कोई सॉलिड एक्शन या उनके मन में जो थर्ड पार्टी को छोड़ करके टोटली आपके पास आ जाने की जो एक मेंटल स्टेबिलिटी, इस टाइप का मुझे इस रीडिंग में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, ज़रूर करेंगे आपसे कम्युनिकेशन, लेकिन उस कम्युनिकेशन के बाद आपको इनके साथ संबंध रखने हैं नहीं रखने हैं टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन यही है कि वो आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं लेकिन टोटली सबको छोड़ करके आपके पास आना ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टूवर्ड्स यू। एनर्जी ओरेकल से हम देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डोर टू वैल्यू, वो आपकी वैल्यू करने वाले हैं। अब तक अगर आपके तरफ कोई वैल्यू नहीं करते थे तो वो इन द फ्यूचर आपकी वैल्यू समझेंगे और आपको वैल्यू करेंगे भी। हैप्पी फैमिली, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोन, द सन एंड द वोमन होल्डिंग अ कॉइन, आपको वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट पर्सन समझते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। नंबर फोर, तीन बार फोर आया है, फोर 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 की एनर्जी है, तो मे बी विद इन फोर डेज, विद इन फोर वीक्स वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक्शन ज़रूर होगा। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं लेकिन इस इंसान में जो है ना थोड़ा एक्शन लेने का जो इंटेंसिटी है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा मतलब उनको सब कुछ पका पकाया हाथ में चाहिए, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके आपके लिए कोई स्टेप लेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। नंबर फोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर डेज फोर वीक्स में आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों में क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, थैंक यू।